साथियों, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से किया गया हर प्रयास नए भारत की मजबूत नींव है। न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमारी व्यवस्था में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में 21वीं सदी की सोच और सपने अनिवार्य है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो, जो इमेजिनेटिव और इनोवेटिव हो, जो प्रोएक्टिव और पोलाइट हो, जो प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव हो, जो एनर्जेटिक और एनेबलिंग हो, जो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, जो ट्रांसपेरेंट और टेक एनेबल्ड हो। साथियों, आपके सामने जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक समय था जब आपके वरिष्ठों को, आपके सीनियर्स को अभाव में ही सब कुछ संभालना होता था। सड़कें हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन टेलीफोन, इवन रोड, सब कुछ का अभाव था। आज स्थितियां ऐसी नहीं है। भारत तेजी से बदल रहा है। कभी अभावों में चलने वाली यात्रा आज विपुलता की तरफ बढ़ रही है। आज देश में विपुल युवा शक्ति है। आज देश में विपुल अन्न के भंडार है। आज देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी की ताकत है। ऐसे में अब आपको इस विपुलता का पूरा लाभ उठाना है। आपको देश का सामर्थ्य बढ़ाना है, साथ साथ स्थायित्व मजबूत करना है। साथियों, याद रखिए, आप इस रास्ते पर सिर्फ एक कैरियर के लिए नहीं आए हैं, महज जॉब के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सेवा के लिए आए हैं, सेवा भाव से आए हैं, सेवा परमो धर्म इस मंत्र को लेकर के आए हैं। आपके हर निर्णय से, हर एक्शन से, हर सिग्नेचर से लाखों जीवन प्रभावित होंगे। और साथियों, आप जो भी निर्णय लेंगे उनका स्कोप बेशक स्थानीय होगा, क्षेत्रीय होगा, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव नेशनल होना चाहिए। यानी आप फैसले तो आपके जिले, आपके ब्लॉक, आपके विभाग की आवश्यकताओं को और समस्याओं को जरूरत के अनुसार लेंगे। वो देश के विकास में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये परख आपको करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और साथियों, अपने हर निर्णय को आप सभी दो कसौटियों पर जरूर कसिएगा। एक, जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, आपका फैसला समाज के आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी आशा आकांक्षाओं को वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, आपका फैसला इस कसौटी से कसना चाहिए कि आपका निर्णय देश की एकता, अखंडता और प्रगति को आगे बढ़ाने वाला हो, उसे मजबूत करने वाला हो।